चाइना पाकिस्तान का थोड़ा सा फैक्ट्स रिवीजन करने की कोशिश करें तो अगर आज 2021 के नाम पे देखें, इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज समवेयर अराउंड 142 करोड़ के आसपास, चाइना इज समवेयर अराउंड 120 करोड़, 125 करोड़ के आसपास, और पाकिस्तान थोड़ा सा वो देख लेना। सर अगर अपन बात करें पॉपुलेशन के अलावा जीडीपी टर्म की, तो जो जीडीपी अगर अपन चाइना की बात करें सिस्टमेटिक अगर लेके चले, तो चाइना का जीडीपी 12.3 ट्रिलियन है शायद, एक बार आप चेक कीजिएगा, 12.3 ट्रिलियन। इंडिया का 2.94 ट्रिलियन, और अगर पाकिस्तान का बता पाऊं तो पाकिस्तान का तो वैसे तो बिलियन में है, और वो भी देख लेते हैं अपन एक बार कि अगर अपन जीडीपी की बात करें, लिखवाया था क्या मैंने, चाइना में अगर बात करूं, इंडिया और पाक ने मिक्स्ड इकोनॉमी विथ ग्रेटर रिलायंस ऑन, मिक्स्ड इकोनॉमी विथ ग्रेटर रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर पे वर्क किया। चाइना ने पॉलिसी फॉलो करी पॉलिसी ऑफ स्टेटिज्म, इसका मतलब ऑल रिसोर्सेस, ऑल रिसोर्सेस आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओनली, मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं वो सरकार के ही हैं, प्राइवेट सेक्टर उसके अंदर कुछ रोल प्ले नहीं करेगा, अल्टीमेटली सब कुछ इकोनॉमिक कमांड पे होगा, ठीक है ना। अगर मैं चाइना की ग्रोथ को देखूं तो इसके दो पीरियड हैं, एक होता है प्री 1978 और पोस्ट 1978, क्योंकि 1978 के बाद से चाइना में रिफॉर्म्स आना शुरू हो चुके। इंडिया उसी जगह पे 1991, प्री 1991 और पोस्ट 1991, कि जो रिफॉर्म्स चाइना में अगर मैं बात करूं कब आए, अगर अपन लेके चले 1978 में, वही इंडिया में कब आए थे 1991 में, चाइना ने जो अपनी पॉलिसी फॉलो करी थी वो थी जीएलपी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड। ग्रेट लीप फॉरवर्ड के तहत चाइना ने अपने लोगों को बोला कि अपने हाउस के बैकयार्ड में, कोर्टयार्ड में, जो अपने घर का पिछवाड़ा होता है या आगे गार्डन होता है, वहां पे आप इंडस्ट्रीज डेवलप करना शुरू करो, अपने हाउस के कोर्टयार्ड में आप इंडस्ट्रीज डेवलप करो। ऑन द कॉन्ट्री अगर मैं बात कर लूं इधर की, किसकी, इंडिया की, तो इंडिया ने 1991 में अपनी पॉलिसी लॉन्च करी एलपीजी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इंडिया का ग्रोथ यहां से शुरू हुआ अगर अपन बात करें तो। थोड़ा सा और बात करें तो गेम को आगे लेके चलें, तो चाइना ने आज अगर अपन बात करें तो एरिया वाइज चाइना वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट पोस्ट हुआ और सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट रशिया के बाद, और इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट नेशन है वर्ल्ड का, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो थोड़ी बहुत बात करी थी। चाइना ने अपने देश को बढ़ाया SEZs लाके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स लाके, मतलब चाइना ने अपने देश की जगह जगह क्या बनाई, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जहां पे उसने बढ़ावा दिया किसको, FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो दिस वाज द, अगर अपन बात करें तो जो स्टोरी चल रही थी चाइना, इंडिया ने FDI और FII जो ढंग से खुल के अलाउ करे, इंडिया ने भी अलाउ करा, बट दैट इज पोस्ट
1991 कॉमन क्वेश्चन आता है, पहले उसको देख लेते हैं। अगर अपन बात करें कि कॉमन सक्सेस स्टोरीज क्या रही, चाहे वो इंडिया की या चाइना की या पाकिस्तान की, वही डाल लो कॉमन सक्सेस स्टोरी ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो कुछ बहुत डायरेक्ट और सिस्टमेटिक देखें तो इंडिया और चाइना ने, दोनों ने अपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर अपन बात करें तो पर कैपिटा इनकम को डबल करा है, ट्रिपल भी करा है। तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ये एक सक्सेस थी, चाहे इंडिया और चाइना दोनों की ही। अगर अपन बात करें तो पावर्टी लाइन को कंट्रोल करने की कोशिश करी, मतलब पावर्टी, पीपल बिलो पावर्टी लाइन सिग्निफिकेंट रिड्यूस करें। अगर अपन बात करें तो सेल्फ सफिशिएंसी इन व्हाट इन्फोसिस आई गई है, तो सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स मतलब थ्रू ग्रीन रिवॉल्यूशन एज वेल एज व्हाइट रिवॉल्यूशन, पर्टिकुलरली इन इंडिया इन्होंने अपना, अगर बात करें ग्रीन रिवॉल्यूशन ले लें या फिर व्हाइट रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, तो इन्होंने एक अच्छी ग्रोथ करी। अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट लेवल पे बात करें तो कहीं ना कहीं विद द पोस्ट, अगर मैं बात करूं पोस्ट 1980s इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान और पोस्ट 1990s इन टर्म्स ऑफ व्हाट इंडिया, इन्होंने प्रॉपर तरीके से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और क्या ग्लोबलाइजेशन लग, खुद के अंदर एक मॉडर्नाइजेशन लाया। तो इकोनॉमियां जो ये अंडर डेवलप थी अब डेवलपिंग हो चुकी है, और इंडिया धीरे धीरे अगर अपन बात करें तो डेवलप इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। अगर मैं बात करूं फेलियर्स के बारे में तो इन डाल लो व्हाट आर द फेलियर्स, कॉमन फेलियर्स ऑफ कॉमन फेलियर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो सर अगर अपन बात करें कॉमन फेलियर्स के बारे में तो इनकी एक सबसे खराब पॉलिसी रही थी जो कि थी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसके अंतर्गत अगर बात करो इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी के अंतर्गत इन्होंने क्या करा, सब कुछ सेल्फ बनाने की कोशिश की। मतलब इन्होंने सोचा कि हम कुछ बाहर से मंगाए ना, तो क्योंकि इन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करी इसलिए इन तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाई। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट दोनों ही कंट्री में थोड़ा लेट आया क्योंकि इन्होंने सोचा सब कुछ अपने देश में बना लेंगे, तो सेल्फ डिपेंडेंस अच्छी बात है बट जो नई टेक्नोलॉजी है वो इन देशों से काफी पीछे रह गए, ठीक है ना। तो अगर अपन बात करें कि ये देश पीछे रह गए टेक्नोलॉजी में, पॉलिटिशियंस और अगर बात करूं जो भी इन दो कंट्री के और ब्यूरोक्रेट्स अगर अपन बात करें तो इन्होंने देश के अंदर कंफर्म, अगर मैं बात करूं तो एक प्रोग्रेसिव चेंज जिसको बोला जाता है, इन दोनों ने सेल्फ प्रोडक्शन पे, सेल्फ प्रोडक्शन और प्राइवेटाइजेशन, सेल्फ प्रोडक्शन और प्राइवेटाइजेशन को उतना आगे नहीं आने दिया, तो उससे देश की प्रोग्रेस रुकी रही। ये पूरा रिलाय रहे पब्लिक सेक्टर पे या गवर्नमेंट पे, तो प्राइवेट प्लेयर्स को खेलने नहीं दिया इसलिए ये देश थोड़े से पीछे भी रहे। अगर मैं बात करूं कहीं ना कहीं ये देशों की कॉमन प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्राइबिंग, करप्शन और डिप्लोमेसी के थ्रू ये तीनों ही देश
का ना तो प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ पाया, ना तो ये देश खुद आगे बढ़ पाया, क्योंकि इंडिया में काम करना बड़ा डिफिकल्ट लगता था लोगों को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको काम अच्छा नहीं करना है, जो पॉलिटिशियन को पैसा दे पाए, जो करप्शन को बढ़ावा दे पाए, वैसे काम करने पड़ते हैं। टैक्स इवेजन दोनों ही देश में काफी ईजी था, क्योंकि गवर्नमेंट का टैक्स पे कंट्रोल नहीं था। बोल सकते हैं बहुत बार गवर्नमेंट के टैक्स के रेट इतने हाई कर दिए थे इन लोगों ने, और जो टैक्स का चेक करने का मैकेनिज्म, चेकिंग मैकेनिज्म, वो इतना लो था कि जिसको टैक्स भरना है भरे, जिसको टैक्स नहीं भरना है नाम है, और ज्यादा कुछ चेक नहीं हो पाता था। कहीं ना कहीं ये कॉमन स्टोरी ऑफ फेलियर है इंडिया और पाकिस्तान की। कहीं ना कहीं फिस्कल डेफिसिट हमारा इन सालों में हाई रहा, तो फिस्कल डेफिसिट को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाए। फिस्कल डेफिसिट मतलब लोन, हमारे हर चीज के लिए, हमारे देश में गरीबी दिखा के हम इंटरनेशनल लॉबी से लोन लेते रहे और फिर उस लोन पे इंटरेस्ट चुकाते रहे। दिस इज समथिंग द पार्ट, अगर मैं बात करूं जो इंडिया और पाकिस्तान का रहा, दोनों देश ने आजाद होने के 60-70 सालों में ही 2 से 3 वॉर कर, चाहे वो 1947 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, उल्टा 4 वॉर कर लिए। तो इनका लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर बजट हमेशा से डिफेंस पे रहा, मतलब एक दूसरे से झगड़ते झगड़ते ही खुद के बजट खराब कर लिए। लार्ज प्रपोर्शन ऑफ बजट अगर अपन बात करें इनका डिफेंस पे खर्चा रहा, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पे वर्क कम कर पाए। सर, अर्बनाइजेशन स्लो रेट से अगर मैं बात करूं, तो एक और प्रॉब्लम थी इन देशों की, डेफिशिएंट अर्बनाइजेशन फैसिलिटी। अगर बात करें डेफिशिएंट अर्बनाइजेशन फैसिलिटी, अगेन ये एक बड़ा चैलेंज था जो कि गलत हुआ। अगर मैं बात करूं तो एक बड़ी और कॉमन बात जो इंडिया में आज तक बिग गैप बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रख, इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी, सॉरी गैप बिटवीन, अगर ला के चले तो अपन formulation of policies. अब इसका मतलब क्या, हमारे यहाँ ऑन पेपर्स पॉलिसीज बन तो जाती हैं, बट कभी वो फॉर्म इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। सरकार रोड्स बनाने के लिए 10,000 करोड़ सेंशन तो कर देती है, बट पहली बात तो रोड बनने में 5 साल लग जाते हैं, और उसके बाद जो रोड बनते हैं उसमें से जब पैसा आता है 2,000 करोड़, बाकी सब करप्शन के थ्रू पैसा खा जाए। दिस इज द समथिंग कॉमन स्टोरी ऑफ व्हाट इंडिया एंड पाकिस्तान अगर अपन बात करें। सर, नेक्स्ट बड़ा क्वेश्चन जो आपको समझना चाहिए अगर अपन लेके चले, ऐसे कौन से एरियाज हैं जहाँ पे चाइना हैज एज ओवर इंडिया, अगर अपन बात करें तो एरियाज वेयर चाइना हैज एज ओवर इंडिया। तो एक बात ध्यान रखें, अगर सिस्टमेटिक बात करें तो सबसे पहले तो चाइना का जीडीपी, तो चाइना का जो जीडीपी है वो अगर 12.3 ट्रिलियन है और इंडिया का 2.94 ट्रिलियन है, तो अप्रोक्स आप मान सकते हो कि चाइना का जीडीपी हमसे अप्रोक्स 4 times है, मोर देन 4 times। सर, सेकेंड अगर मैं बात करूं तो चाइना का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेट्स से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया से काफी हाई है। सर, थर्ड लेवल में अगर मैं बात करूं तो चाइना अभी एक डेवलप्ड इकोनॉमीज में से आता है, एज कंपेयर्ड टू इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग इकोनॉमी। सर, चाइना के पास बहुत बड़ा एज है अगर मैं बात करूं
तो सेकेंडरी सेक्टर का, कि चाइना का सेकेंडरी सेक्टर से वो वर्ल्ड का एक प्रकार से लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है अगर अपन बात करें तो। और इंडिया के मैक्सिमम इंपोर्ट्स कहाँ से होते हैं? चाइना से। मतलब कितनी उल्टी बात है कि चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है और इंडिया भी बहुत सारी चीजों में डिपेंडेंट कहाँ पे है? चाइना। तो मैक्सिमम इंपोर्ट्स ऑफ इंडिया कहाँ से होते हैं? चाइना से। तो सर कहीं ना कहीं अगर अपन और भी बात करें तो चाइना ने जो ग्रोथ स्टेज थी वो चाइना ने 1970 या मिड 70s 78 से शुरू कर ली थी, एज कंपेयर टू इंडिया ने जो चीज 1991 से शुरू। अगर मैं आज भी बात करके चलूं तो FDI एंड FII में चाइना हैज अ ग्रेट एज ओवर इंडिया। मतलब अगर मैं बात करूं तो आज भी जो चाइना के पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी एडवांस्ड, एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोसिस्टम रखा है किसने? चाइना। सो दिस इज व्हाट, अगर मैं बात करूं चाइना की एक पॉलिसी बहुत अच्छी थी। पहली बात तो जहां चाइना ने पॉपुलेशन पे कंट्रोल किया तो वो चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो इंडिया अभी तक नहीं ला पाया कि बच्चा एक ही अच्छा, इससे उसने पॉपुलेशन पे कंट्रोल करके, अगर मैं बात करूं चाइना ने लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा दिया। क्योंकि अगर पॉपुलेशन कम होगी तो ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दिस इज वन चाइल्ड पॉलिसी। सेकेंड, चाइना ने एक अच्छी पॉलिसी रखी जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट के हिसाब से अच्छा नहीं बोल सकते, बट अच्छी पॉलिसी थी, दैट इज हायर एंड फायर। चाइना बहुत प्रैक्टिकल इस बात, चाइना ने बोल दिया कोई इंसान काम कर रहा है तो हायर देम, काम नहीं कर रहा है तो फायर देम इमीडिएट, जो कि इंडिया में नहीं होता। इंडिया में आप हायरिंग भी धीरे धीरे करते हो और किसी को फायर भी इतनी जल्दी नहीं करते। तो चाइना बहुत क्लियर है अपनी जनता के साथ, प्राइवेट सेक्टर के साथ, इवन प्राइवेट सेक्टर के जितने भी ओनर्स हैं उनको भी लगता है कौन सी पॉलिसी हायर एंड फायर, कि अगर आपको लगता है कि ये बंदा काम का है तो हायर करो, लगता है नहीं काम का है तो फायर करो। यहाँ पे चाइना काफी क्लियर था अपने, अगर बोलो तो रोल प्ले में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं चाइना ने सेकेंडरी सेक्टर को ग्रेट लीप फॉरवर्ड के थ्रू, चाइना ने ग्रेट लीप फॉरवर्ड के थ्रू अपने सेकेंडरी सेक्टर को अच्छा खासा प्रमोट करने की कोशिश करी। उन्होंने अपनी मशीन्स और फैक्ट्रीज को हाई लेवल पे क्या करा? डेवलप करा। नाउ दिस इज वेयर, इवन अगर मैं बात करूं डिफेंस में भी, तो चाइना हैज टू टाइम्स एज ओवर इंडिया। अगर हम बात करते हैं कि इंडिया और चाइना का कोई वॉर हो जाए तो चाइना का डिफेंस भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। दिस इज समथिंग व्हाट इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव विद अस।